पहली बार ये कोई स्ट्रेंज वर्ड से आया, मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रेड नहीं करते बल्कि ये क्रिश्चियनिटी को भी फैलाने की कोशिश करते हैं। पोर्तुगीज के बाद डच इंटर करते हैं इंडिया में, तो उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल बन गया। इंग्लिश जो है, जो अंग्रेज है, वो 1600 में इंडिया में इंटर करते हैं, मुगल एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था, फ्रेंच जो है इंडिया आते हैं 1664 में, हम लोग देखते हैं कि बैटल ऑफ फॉन्डी वॉश होता है। डेन्स जो है वो सबसे आखिरी यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए थे, वो सभी रीजन्स को जो है वो ब्रिटिशर्स को देकर के बेच करके चले जाते हैं, और इन सब का, इनमें से हर एक का इम्पैक्ट जो है इंडियन सोसाइटी पे, इंडियन पॉलिटिक्स पे अलग अलग पड़ा है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज के सेकंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज के हमारे इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, मतलब इंडिया में यूरोपियंस का आवागमन। देखिए, जो यूरोपियंस हैं उनका इंडिया में आवागमन इंडिया के हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इनफैक्ट इंडियन हिस्ट्री नहीं, सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो हिस्ट्री है, इनफैक्ट पाकिस्तान हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, श्रीलंका हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, इन सब के हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। और जो है क्या कहते हैं, यूरोपियंस जो हैं उनका आवागमन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक नए एरा की शुरुआत करता है, और उस एरा में हम लोग कॉलोनियलिज्म देखते हैं, उसमें ट्रेड देखते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड फ्लरिश करता है। इनफैक्ट वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, लेकिन ट्रेड का एक बेस बन जाता है, साथ में कल्चरल एक्सचेंज होता है। इससे पहले हमारे सबकॉन्टिनेंट में जितने भी कह लीजिए कि बाहर के लोग आए, वो या तो ट्रेडर्स आए या तो इन्वेडर्स आए, है ना। अब इन्वेडर्स भी आए तो बहुत दूर से नहीं, आसपास के रीजन से आए, और जो ट्रेडर्स थे वो थोड़ा दूर से आए, चाइना और अरब कंट्रीज से। लेकिन पहली बार ये कोई स्ट्रेंज वर्ल्ड से आया, मतलब वो दुनिया से शायद बहुतों को पता भी नहीं था कि दुनिया एग्जिस्ट करता है, वैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो वो एक स्ट्रेंज कल्चर लेकर के आया, तो कल्चरल एक्सचेंज हुआ। और अब इसी कल्चरल, अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं आप देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा शोषण किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कल्चर एक्सचेंज होने से हमें फ़ायदा हुआ है, और होता ही है ऑब्वियसली। जब जहाँ भी दो कम्युनिटीज़ जो हैं आके मिलती हैं, वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है, ठीक है। हम उन सब चीज़ों को डिस्कवर करेंगे। तो यूरोपियंस में सबसे पहले जो आए वो आए थे पोर्तुगीज़, और फिर आए डच, उसके बाद आए इंग्लिश जो हम लोग अंग्रेज नॉर्मली कहते हैं, फिर आए फ्रेंच, फ्रेंच के बाद सबसे आखिरी में डेन्स आए। डेन्स का ज़्यादा नाम नहीं लिया जाता, प्रभाव ज़्यादा नहीं उनका इसलिए। और इन सभी यूरोपियंस के आने का अलग अलग मकसद था, है ना। कोई ट्रेड के लिए आए, स्पाइस ट्रेड के लिए, कोई कॉटन ट्रेड के लिए, अलग अलग फ़ायदे के हिसाब से सब लोग आए, और सभी ने अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाई, और इन सब का, इनमें से हर एक का इम्पैक्ट जो है इंडियन सोसाइटी पे, इंडियन पॉलिटिक्स पे अलग अलग पड़ा है। देखिए, सबसे पहले पोर्तुगीज आए, आपको पता होगा हम लोगों ने साथ में मेडिवल इंडिया जो है वो हम लोगों ने डिस्कवर किया, हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसमें हम लोग जानते थे कि जो पुर्तगीज़ थे वो एक नया रूट ढूंढ रहे थे, ट्रेड रूट इंडिया के लिए, क्योंकि जिस रीजन से वो आ रहे थे, जिस रूट से वो आ रहे थे, उस रूट पे अरब मर्चेंट का दबदबा था, और इस वजह से एक नया रूट वो लोग ढूंढ रहे थे कि इन सब चक्करों से इंडिपेंडेंट हो जाए, खुद डायरेक्ट ट्रेड करें। और इसी के लिए जो है कई सारे जो आप कह सकते हैं नेविगेटर्स जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज से निकले अलग अलग रास्ता ढूंढने के लिए। इसमें वास्को डिगामा जो है वो सक्सेसफुल हुए, वो जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो टिप है, साउदर्न टिप है, जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, वहाँ से होते हुए इंडिया के कालीकट में 1498 में जाकर के लैंड करते हैं। और जस्ट उनके लैंड करने के बाद वो कुछ सामान यहाँ से लेकर जाते हैं खरीद के, उसके बाद जो है पुर्तगीज ट्रेडर्स का कह लीजिए कि आना जाना लग जाता है। इस सिलसिले में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने जो है इन रीजन्स में जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, वहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट्स वो डालते हैं, फोर्ट्स बनाते हैं, स्पेशली गोवा में, बॉम्बे में, दमन एंड दीव में, इन सब जगहों पर वो किले बनाते हैं। इसके अलावा जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ कई सारे बैटल्स लड़ते हैं, नेवल बैटल लड़ते हैं, साथ में अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के साथ भी लड़ते हैं, जो राइवलरी चल रही है ना, जो यूरोपियन अलग अलग देश के ट्रेडर्स आ रहे हैं उन सब के साथ भी जो है नेवल बैटल करते हैं। और सिर्फ ट्रेड नहीं करते बल्कि ये क्रिश्चियनिटी को भी फैलाने की कोशिश करते हैं, और उस रीजन में जितने भी लोकल रिलीजन हैं उन सब को दबाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इस्लाम को, क्योंकि इनका थोड़ा अलग ही कह सकते हैं कि चिड़ था इस्लाम से, अरबियन मर्चेंट से, अरबियन एम्पायर सबसे टक्कर चलता रहता था, और साथ में वो वेस्टर्न रीजन, जो वेस्टर्न कोस्ट वाला रीजन है, वो एक ट्रेडिंग, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिंग पोस्ट थे, सेंटर्स थे, जहाँ पे अरब मर्चेंट्स भी आते थे, तो इस्लाम भी उस रीजन में थोड़ा फैला हुआ था, तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव वो इस्लाम पे डाल रहे थे। और शुरू में तो ये बहुत ज़्यादा ही डोमिनेंट रहे, हम लोग देखे हैं अपने मिडिवल इंडिया के सीरीज़ में, जो हम लोग डेक्कन एम्पायर्स, डेक्कन किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ देखिए काफ़ी डोमिनेंट रहे इंडियन पॉलिटिक्स में, लेकिन बाद में जो है
ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगा है, इसके अलावा जो यूरोपियन जितने भी ट्रेडर्स आ रहे थे उसके साथ कंपटीशन होने लगा, इस वजह से इनका जो है इम्पैक्ट जो है वो लेट 16th सेंचुरी तक जाते जाते कम हो जाता है। पुर्तगीज़ के बाद डच इंटर करते हैं इंडिया में, अर्ली 17th सेंचुरी में इंटर करते हैं, और जो इंडिया का मालाबार कोस्ट है, गुजरात है, बंगाल का रीजन है, इसके अलावा सिलोन जो श्रीलंका है, इन सब रीजन में वो अपना ट्रेडिंग पोस्ट डालते हैं। वो बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे, वो स्पेशली स्पाइस ट्रेड के लिए, मसाले का जो ट्रेड था उसके लिए ही आए थे, और इसीलिए इन्होंने इन सारे रीजन में ट्रेडिंग पोस्ट डाला था। और फिर उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बन गया, क्योंकि उसके पास खुद की आर्मी और खुद का नेवी था। और देखिए, पुर्तगीज जो है वो ज़्यादा इंटॉलरेंट थे लोकल रिलीजन्स को लेकर के, लेकिन डच जो है पुर्तगीज के कंपेरिजन में काफ़ी टॉलरेंट थे लोकल रिलीजन्स को लेकर के, लोकल कस्टम्स को लेकर के, वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत सीधे साधे थे, उन्होंने भी ठीक वैसा ही एक्सप्लॉइट किया हमारे रिसोर्सेज को जैसे बाकी यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन ट्रेडर्स ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, और कोशिश क्या, इनफैक्ट हमें लूटा, तो डच ने भी उतना ही लूटा है, इसमें कोई शक नहीं है। इंग्लिश जो है, जो अंग्रेज़ जो है वो 1600 में इंडिया में इंटर करते हैं, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ वन ने जो है रॉयल चार्टर दे दिया होता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने आज़ादी दे दी, उन्होंने ये ग्रांट कर दिया कि इंडियन ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही इन्वॉल्व रहेगी, बाकी कोई नहीं। तो इससे क्या हुआ कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनकी मोनोपोली हो गई इंडियन ट्रेड में, खासकर ब्रिटेन में, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में चार्टर का कोई माने नहीं था। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ही आप कह लीजिए कि एक कंपनी पे, कंपनी को पावर दे दिया गया। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में ट्रेडिंग पोस्ट डालती है, बंगाल में हम लोग देखते हैं, इसके अलावा गुजरात के सूरत में, मुंबई में, मद्रास जो चेन्नई हो गया, इन सारे रीजन में अपना ट्रेडिंग पोस्ट डालती है। और शुरू शुरू में तो थोड़ा दिक्कत होता है उनको, पुर्तगीज़ और आप कह सकते हैं कि जो डच हैं उन सब से थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होता, कंपीट करना पड़ता है। लेकिन ग्रेजुअली हम लोग देखते हैं धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि मुगल एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव दीवानी राइट्स ले लिया था, जिससे कि उनको बहुत फ़ायदा हुआ, काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाए। और जो मर्चेंट्स थे कंपनी के, बाद में जिनको फैक्टर कहा जाता था कंपनी में, तो वो मर्चेंट्स जो थे वो बाद में लोकल जो पॉलिटिक्स हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वॉर्स लड़ते हैं, और कह सकते हैं कि रूलर ही बन जाते हैं वो 1857 तक। फ्रेंच जो है इंडिया आते हैं 1664 में, जब फ्रांस के जो राजा थे किंग लुईस 14, उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की घोषणा कर दी थी। तो इसी कंपनी के थ्रू जो है उनके ट्रेडर्स इंडिया आते हैं, फिर धीरे धीरे लोकल पॉलिटिक्स में देखते हैं इन्वॉल्व आते हैं। तो शुरू में उन्होंने जो अपना ट्रेडिंग पोस्ट है वो पांडिचेरी में, क्राइकल में, माहे में, चंद्रनगर में, इन सभी जगहों पे जो है अपना ट्रेडिंग पोस्ट लगाया था। और फिर देखते हैं कि वहाँ से वो लोग जो है लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व आते हैं, जितने भी खासकर जो डेक्कन रीजन के किंगडम्स थे और कार्नेटिक रीजन के थे, इन सब के साथ वो अलायंस में आ जाते हैं, और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है उनकी और ब्रिटिश कंपनी की जो है राइवलरी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो यूरोप में भी एक दूसरे लड़ रहे थे, यहाँ भी राइवलरी स्टार्ट हो जाती है, और ये राइवलरी काफ़ी चलती है। और 1744 से लेकर के 1763 तक जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के बीच लड़ाई होती है। इनफैक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है डेक्कन रीजन में और कर्नाटिक किंगडम के साथ लड़ाई हो रही होती है, तो ये भी डायरेक्ट जो है, क्योंकि अलायंस में तो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये जो राइवलरी है इसमें ब्रिटिश जो है वो विजेता होते हैं, क्योंकि 1760 में हम लोग देखते हैं कि बैटल ऑफ पॉन्डी वॉश होता है, जिसको सेवन ईयर्स वॉर कह सकते हैं आप, थर्ड कर्नाटिक वॉर होता है, उसी का एक वॉर है, उसी का एक बैटल है, बैटल ऑफ पॉन्डी वॉश। उसमें हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश जो है वो जीत जाते हैं, जो कर्नाटिक मैसूर के जो राजा थे वो मर जाते हैं, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है उनकी भी हार हो जाती है। वहाँ से ब्रिटिश डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। डेन्स जो है वो सबसे आखिरी यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए थे, और उन्होंने अपना ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो निकोबार में, सिरमपोर में, ट्रेंकोबार में, इन सभी रीजन्स में अपना डाला था, और वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे, और इसीलिए हम लोग जो है उनका बहुत ज़्यादा इंडियन पॉलिटिक्स में या मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में इन्वॉल्वमेंट नहीं देखते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं है इंडियन सोसाइटी या पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि ये 1845 तक जो है अपना जितना भी इंडियन पोजिशंस था, जो जो भी जगह पे इनका कह सकते हैं कि आज छोटा छोटा पोस्ट था, फोर्ट्स वगैरह था, वो सभी रीजन्स को जो है वो ब्रिटिशर्स को दे करके, बेच करके चले जाते हैं। और इसीलिए हम लोग जो है अपनी हिस्ट्री में डेन्स का बहुत ज़्यादा देखते नहीं हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जहाँ से
ब्रिटिश राज स्टार्ट हो रहा है उससे पहले ही वो सारा चीज़ बेच के ब्रिटिशर्स को चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलता है और बहुत ज़्यादा इनका कह सकते हैं कि क्योंकि इनकी अपनी कंपनी की मिलिट्री और आर्मी नहीं थी स्ट्रॉन्ग इस वजह से, और ये सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे, उनके पास जो भी आर्मी थी वो ट्रेडर्स को मर्चेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थी, रूल करने के लिए थी, और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डोमिनेंट हो गया था ब्रिटिश, इसके अलावा फ्रेंच लड़ ही रहे थे, पुर्तगीज थे, तो इनको जगह ही नहीं था कहाँ भाई ये अपना कह सकते हैं कॉलोनी बनाते, तो ये फिर बेच करके वापस चले आते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको पसंद आया हो, आप लोग समझे हों, हम लोग इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, अच्छे से रहिएगा।